अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपके अपने चैनल फूड ब्लॉगर में। तो आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ जर्दे बनाने की रेसिपी। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगी जिनको आप जर्दा बनाने के लिए फॉलो करेंगी तो आपकी जर्दा एकदम परफेक्ट बन करके आएगी। और अक्सर जब हम जर्दा बनाते हैं तो हमें ये कंप्लेन मिलती है जर्दे की जो चावल है वो अकड़ जाती है, तो इस रेसिपी में आपकी ये भी कंप्लेन दूर होने वाली है। तो चलिए इसे बनाते हैं बिना देर के हुए फटाफट से। ज़र्दा बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 300 ग्राम चावल का, और यहाँ पे मैं ज़र्दा बनाने के लिए सेला राइस या फिर आप इसे गोल्डन राइस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ज़र्दा होती है वो सेला राइस में ही बनती है। अगर आप नॉर्मल बासमती चावल में बनाएंगे तो जो ज़र्दे की जो चावल है वो टूटने लगेगी। तो आप जब भी इरादा करें ज़र्दा बनाने की तो आप सेला राइस मंगवा लें, और इसे जो ज़र्दा बनाने के लिए जो चावल है इसको अच्छे से भिगोकर हमें 1.5 से 2 घंटे रखनी है, और इसे नॉर्मल वाटर से हमें धो लेनी है। उसके बाद आप 1.5 से 2 घंटे इसे भिगोकर रख दीजिए, और उसके बाद फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। इधर मैंने गैस पे पानी को चढ़ा दिया है उबलने के लिए, हाई फ्लेम पर रखा है, और यहाँ पे मैंने चावल की क्वांटिटी से 3 गुना पानी लिया है। और अब हम इसमें लेंगे फूड कलर या फिर जो जर्दे में जो कलर डलाते वो ले लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी में ऐसे नॉर्मल वाटर में फूड कलर को मिक्स कर लिया और पानी में डाल देंगे, ताकि क्योंकि अगर आप इसमें डालेंगे तो लम्स आ जाएंगे, इसलिए आप नॉर्मल वाटर में इसे अच्छे से मिक्स करके डाल दीजिए। और यहाँ पे मैं इसेंस ले रही हूँ, यहाँ पे इसे ये इसेंस आप जर्दे में भी यूज़ कर सकते हैं, केक में भी यूज़ कर सकते हैं, बिस्किट्स में भी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जैसा स्वाद के लिए, अच्छी खुशबू के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, और बस इसे मैं पानी में पहले उबाल आने देंगे। तो ये दीजिए पानी में उबाल आ चुकी है, और अब इसमें जाएगा चावल जो हमने भिगोकर रखा था। तो ये लीजिए पानी अच्छे से चावल के हटा लीजिए, और जो सारे चावल है पानी में इसे डाल दीजिए, और चावल को हमें इसे पूरी तरह पकानी है, ऐसा नहीं 100% पकाना है आपको, आधी चावल 50% या 80% नहीं पकानी है आपको, पूरी 100% चावल को पका लेनी है। तो बिल्कुल इस तरीके से, और आप देख सकते हैं चावल में नमीपन आ ही चुकी है और चावल लगभग हो चुकी है। तो इस तरीके से जो चावल है ना, ये जो टिप्स जो ट्रिक्स है ये इस तरीके से आप ज़र्दा बनाएंगे। अगर आप चावल को पूरी तरीके से पका लेंगे तो आपकी जो चावल अकड़ जाती है वो नहीं अकड़ेगी। तो ये देखें चावल एकदम अच्छे से गल चुकी है, यानी अच्छे से वो पक चुकी है। तो बस हमें इसे कुछ नहीं करनी है, चावल को पूरे 100% पका करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो चलिए जब तक चावल के पानी को हमने गलने के लिए रख दिया है, इसके बाद हम गैस पे पैन लेंगे, और इसमें मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून देसी घी। और देसी घी से अगर आप कोई भी चीज़ बनाएंगे ना तो उससे जो स्वाद है वो तो बढ़ी गई, इन्हेंस हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज़ किया है। और यहाँ पे मैं कुछ अपने मन पसंद की जो ड्राई फ्रूट्स है उसको फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रही हूँ काजू। काजू जो घर में मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने लिया है, आप नारियल भी ले सकते हैं जो आपके फेवरेट ड्राई फ्रूट्स है, जो भी हैं वो आप ले लीजिए, और बस सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लीजिए देसी घी में, ताकि आपकी जो जर्दे की स्वाद है और भी बढ़ जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे काजू किशमिश और बादाम मैंने लिया है, तो बस इन सब चीज़ों को देसी घी में हल्की 1 मिनट तक ही इसे हम फ्राई करेंगे। इसे हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे हल्का से देसी घी में फ्राई कर लेनी है ताकि जो इसका स्वाद है वो बढ़ जाए। तो बस चलिए 1 मिनट हो चुकी है और इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, तो इसे बस निकाल लीजिए। इधर मैं ले रही हूँ एक गैस पे पतीला, और उसमें मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून देसी घी, और घी के गर्म होते ही पिघलते ही इसमें हम लेंगे 5 से 6 लौंग और 4 छोटी इलायची। जो छोटी इलायची को आप थोड़ा सा तोड़ लें ताकि इसकी जो अंदर की खुशबू बाहर आ जाए, और इसे हल्का सा फ्राई होने के बाद इसमें हम लेंगे शक्कर हमने लिया है 400 ग्राम, यानी कि जितना हमने चावल लिया था ठीक उसी क्वांटिटी के बराबर हमने चीनी लिया है। तो चीनी को हमने 300 ग्राम लिया और चावल भी हमने 300 ग्राम लिया है।
तो हमें जितना मीठा रखना है मतलब बराबर में रखना है। अगर आपको मीठा कम रखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग चीनी थोड़ा कम कर सकते हैं। तो बस चीनी को चारों तरफ अच्छे से एक परत बना लीजिए और इसके बाद हम इसमें लेंगे चावल। चावल को आपको सारे चावल जितने भी आपके चावल हैं आप इसमें चीनी के ऊपर डाल दीजिए और इस टाइम पे जो मैं आपको टिप्स दूंगी ना वो आपको बड़ी ही ध्यान से ही फॉलो करना है। ये जो चावल मैंने चीनी की जो परत है वो बिछा ली है, चावल भी डाल दिए हैं और यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ। पानी हमने यहाँ पे जो लिया है चावल से बची थी ना चावल एक चौथाई कप वो ले रही हूँ। और आपको यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है और चावल को ज़रा भी नहीं चलानी है, बस चीनी के ऊपर डाल करके चावल को छोड़ देनी है और इसे हम लो फ्लेम पर पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि चीनी मेल्ट हुई है या नहीं हुई है। तो इससे आप बीच बीच में चेक करते रहे इस तरीके से, ठीक। अगर आपको इस तरीके से आप चेक करते रहें चीनी मेल्ट हो गई है, पानी भी नहीं है, तो समझिए कि चीनी सारी पिघल गई है और पानी भी नहीं है इसके बॉटम पे। तो बस इस लेवल पे हमें समझना है कि ज़रदा हमारी जो है रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये लगभग 15 मिनट लगी हैं, 15 से 20 मिनट चीनी जो है मेल्ट होने में लगी है, 15 से 20 मिनट। तो ये देखें, तो बस इस स्टेज पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे उसे डाल देनी है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चेरी लिया है, मुरब्बा लिया है और यहाँ पे मैंने खोआ भी लिया है। तो अगर आपको खोआ पसंद तो आप डाल सकते हैं या फिर आप इसमें गुलाब जामुन भी जो होते हैं छोटे छोटे वो भी डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डाल करके आप इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। और जो मैंने आपको टिप्स बताई है वो बड़े ही आपको ध्यान से फॉलो करना है। अगर आप चीनी और जो चावल को डाल करके मिक्स कर देंगे तो चावल अकड़ जाएंगे। तो बस इस स्टेज पे हमें क्या करना है, मेवे डाल करके इसे हमें ढक करके 5 मिनट पकानी है और इसे 5 मिनट के बाद इसका गैस का फ्लेम लो रख कर ही पकाना है, हाई नहीं रखनी है। तो आप जल्दी को जब भी पकाए तो लो ही रखना है। तो लो रख के हमने 5 मिनट इसे पका लिया है और ये देखें चावल भी एकदम अच्छे से खिली खिली एकदम जर्दे बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अकड़ी नहीं है चावल, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी जर्दा बनकर रेडी हो चुकी है और इसमें कोई भी तरह का हानि नहीं है, बिल्कुल भी इसमें चावल अकड़े नहीं हैं, एकदम खिले खिले बने हैं, एकदम सॉफ्ट और एकदम मज़ेदार की बनी है। तो आप इसे किसी भी फेस्टिवल या फिर आपको जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो या फिर आप कोई भी ऐसे फंक्शन में बना ये इस तरीके से इस मेथड से बनाएंगी तो आपकी ज़रदा एकदम परफेक्ट और मज़ेदार की बनेगी। तो आप इसे इस मेथड से ज़रूर बनाइए और आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल ग्रे होने के बाद उसमें बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो मेरी हर नई वीडियोस की रेसिपी आपको सबसे पहले मिल जाए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने जल्दी की एक और रेसिपी बनाई है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, बहुत सारे प्यार से सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।